यूपी के इलाहाबाद से एक दलित छात्र की हत्या की खबर आई है। छब्बीस साल के दिलीप की गलती बस इतनी थी कि वो होटल की सीढ़ियों पर ही बैठकर फोन पर बात करने लगा था। आरोपी जब होटल की सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनकी टक्कर दिलीप के साथ हो गई, जो कि विवाद की वजह बनी। बस फिर क्या था, इन सारे आरोपियों ने होटल की कुर्सियों से ही छात्र की पिटाई शुरू कर दी। इतने पर भी जब इनका मन नहीं भरा तो उन्होंने होटल के बाहर भी छात्र पर ईंट पत्थरों से हमला किया, जिसके चलते इलाज के दौरान ही छात्र ने दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हमलावरों में शामिल एक आरोपी रेलवे में पीटी है। वारदात में शामिल एक शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मरने वाला छात्र एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था। तो जैसे भैया करें वैसे इनका कह दें, बस हमारे यही कहना और कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा हाँ, और कुछ इनका काउंटर कह दें, बस हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? योगी जी सर, हम यही कहेंगे सर, हमारे भैया जैसे सजा दी है उसी इनको सजा दें। इस घटना के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। इलाहाबाद से आरती पांडे के साथ अनिल श्रीवास्तव, नवोदय टाइम्स।